एलबीएस ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को 5 विकेट से हराया। T10 लीग 2021 मैच नंबर 1 करेंगे इस पूरे बैच के बाद। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। शुरुआत से बात करते हैं इस मैच की। अब टॉस जीता मराठा एलबीएस ने किया फील्डिंग का फैसला। अगर फील्डिंग का फैसला करते हैं आप तो शायद आपके मन में ये होता है कि जल्दी से ऑल आउट कर दें उस टीम को, जल्दी से बैट गिराएं उनकी। पावर प्ले 2 ओवर का होता है T10 लीग में। और देखिए ब्रेंडन किंग और लैंडन सिमर्स ओपनिंग कर दिया नॉर्दर्न वॉरियर्स ने, और अच्छा खेले। 13 गेंदों में 29 रन बनाए ब्रेंडन किंग ने, और बहुत अच्छे छक्के मारे थे मोहम्मद हफीज़ के, तो 1 ओवर में 3 छक्के मारे थे उन्होंने। अब बहुत अच्छा लग रहे थे, अच्छा खेल रहे थे वो, लेकिन रन आउट हो गए। यहाँ पर थोड़ा लैंडन सिमर्स के साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई और यहाँ पर ब्रेंडन किंग ने विकेट गंवा दिया। फिर लैंडन सिमंस ने 31 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसमें 7 चौके 1 छक्के मदद से उन्होंने रन बनाए। निकलस पूरन आए उन्होंने, तो आते आते धुआंधार 2 चौके 1 छक्का लगाया, और फिर ज़्यादा जल्दीबाजी करने के चक्कर में वो आउट हो गए, फिर बाउंड्री पे आउट हुए। रोमन पॉवेल ने आके लास्ट में 7 गेंदों में 22 रन बनाए, और इस तरीके से 10 ओवर में 127 रन बनाए 2 विकेट पर नॉर्दर्न वॉरियर्स ने। अब जब ये टारगेट जब सेट हो गया था तो ऐसा लगा था कि शायद ये मराठा एलेवेंस की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ जाने माने खिलाड़ी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से मुझे लगा था कि शायद ये मैच जो है वो नॉर्दर्न वॉरियर्स जीत जाएगा, लेकिन ये मैं गलत सोच रहा था। जावेद अहमदी और अब्दुल सकूर ये ओपनिंग करने आए मराठा एलेवेंस की तरफ से। अब्दुल सकूर तो खासकर बहुत ऐसे खेल रहे थे जैसे ये जैसे 3-4 ओवर का मैच हो। 28 गेंदों में 73 रन बनाए, बहुत अच्छा मैच ये उनके लिए रहा, क्योंकि वो विकेटकीपर हैं और UAE के खिलाड़ी हैं, तो UAE खिलाड़ी को ज़्यादा मान्यता मिलती नहीं है, खासकर ऐसी लीग में जो 10 ओवर का या 15 ओवर का मैच हो। और शायद ये बड़ी बात है, अब्दुल सकूर जो है 28 गेंदों में 73 रन, बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने। अहमदी थोड़े अनलकी रहे, 3 गेंदों में 6 रन बनाए उन्होंने। लॉरी एवंस ने 7 में 9 बनाए। मोहम्मद हफीज़ ने अच्छे रन बनाए, 8 गेंदों में 19 रन बनाए, और जो अच्छा लग रहे थे वो दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का मार दिया था, और 8 गेंदों में 19 रन भी सही होते हैं, ऐसा नहीं है बेकार है। अब मल्होत्रा आए, 8 गेंदों में 8 रन बनाए उन्होंने। लास्ट के टाइम पे ये मैच फंस गया था, 6 बॉल में चाहिए थे 8 रन, लेकिन वो बनना बड़ा मुश्किल हो गया था। 2 बॉल में 5 रन चाहिए थे, ऐसी स्टेज आ गई थी जहाँ पे आपको लगा था कि 24 गेंदों में मात्र चाहिए थे 30 रन, और वहाँ पे उस मैच में भी लास्ट में ट्विस्ट आ गया, और वहाँ पे भी 2 बॉल में 5 रन चाहिए थे, लेकिन वो तो बलाओ मुशद्दिक हुसैन का, जिन्होंने 3 गेंदों में 9 रन बनाए और लास्ट के 2 गेंदों पर 2 चौके मार दिए, और लास्ट बॉल पर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ये मैच गया, और लास्ट स्टेज पर बिल्कुल जीत गई मराठा एलेवेंस। तो इस तरीके से ओपनिंग हुई है यहाँ T10 लीग की, और देखिए पहला मैच ये पहली बार हुआ है जब मराठा एलेवेंस जीती है। आज तक ऐसा हुआ नहीं था, 3 साल से ऐसा हुआ नहीं था मराठा एलेवेंस का मैच हुआ था पहला और वो जीती हो, तो आज रिकॉर्ड टूटा है 3 साल के बाद। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया मैच नंबर 1 के बारे में, और थोड़ी देर बाद मैच नंबर 2 के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।